लास्ट टर्न पे हमने हाफ कंट्रोल में सिमेट्रिकल कनेक्शन के बारे में हम लोग पढ़े थे। फिर से एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि फुली कंट्रोल और हाफ कंट्रोल में बेसिकली हमारा अंतर क्या था। फुली कंट्रोल में हम लोग फोर्थ थायरिस्टर यूज कर रहे थे, ये जो चार थायरिस्टर हम लोग यूज कर रहे थे ये सारे के सारे क्या है, कंट्रोलेबल स्विच थे, इनको हम लोग कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, इनको हम लोग कंट्रोल कर सकते थे कि हमें ऑन करना है कि नहीं करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता था या आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन जब हम लोग हाफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो हाफ कंट्रोल में अब हम लोग दो कंट्रोल्ड स्विच और दो अनकंट्रोल्ड स्विच यूज करेंगे। और इनकी प्लेसिंग कैसी होगी, तो हम लोग कह रहे थे कि सपोज इसको बोल दे रहे थे लेग वन, इसको बोल दे रहे हैं लेग टू, ऐसे यहाँ पे ये लेग वन और लेग टू, तो लेग वन और लेग टू में इन डिवाइसेस की, दो कंट्रोल्ड की और दो अनकंट्रोल की प्लेसिंग कैसे है, इसके बेसिस पे फिर हमारा दो कनेक्शन निकल के आ रहे थे। इसको हम एक को बोल रहे थे सिमेट्रिकल कनेक्शन और एक को बोल रहे थे एसिमेट्रिकल कनेक्शन। सिमेट्रिकल कनेक्शन में क्या हो रहा था, ध्यान से देखना, लेग वन में हमारा एक थायरिस्टर या एक SCR और एक डायोड था, ऐसे ही लेग टू में हमारा एक SCR और एक डायोड था। दैट मींस यहाँ पे क्या था, स्विचिंग डिवाइसेस का डिस्ट्रीब्यूशन इवन था। एक लेग में एक अनकंट्रोल्ड और एक कंट्रोल थी, दूसरे लेग में भी एक कंट्रोल्ड और एक अनकंट्रोल्ड थी, तो इसलिए हम बोल रहे थे इसको सिमेट्रिकल कनेक्शन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सिमेट्रिकल था। एसिमेट्रिकल कनेक्शन में क्या हो रहा था हमारा, एसिमेट्रिकल कनेक्शन में हमारा ये हो रहा था कि एक लेग में हम दो SCR यूज कर ले रहे थे, दैट मींस एक लेग में हम लोग कंट्रोलेबल स्विच यूज कर रहे हैं, ऐसे स्विच यूज कर रहे हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे लेग में हम ऐसे स्विच यूज कर रहे थे जिन्हें हम कंट्रोल्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन क्या था हमारा, अनइवन था, एसिमेट्रिकल था, इसलिए इस कनेक्शन को हम लोग एसिमेट्रिकल पढ़ रहे थे। इसके बाद समरी हमारी ऐसी थी, सिमेट्रिकल कनेक्शन के लिए हम लोगों ने आउटपुट वेवफॉर्म और आउटपुट करंट को प्लॉट कर लिया था और ये भी मेंशन कर दिया था कि किस समय कौन सी स्विचिंग डिवाइस हमारी ऑन होगी। तो आज हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है कैलकुलेशन का पार्ट है और कुछ एक वेवफॉर्म हमें प्लॉट करनी है, जैसे सप्लाई करंट, करंट थ्रू थायरिस्टर T1, करंट थ्रू थायरिस्टर T2, करंट थ्रू डायोड D1, करंट थ्रू डायोड D2, ये आज हमें प्लॉट करनी है। तो हमें ये प्लॉट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस देखना है I0 को, और I0 हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि एज्यूम कर रहे हैं कि लोड हमारा क्या है, हाईली इंडक्टिव। तो जब सप्लाई करंट के लिए हम लोग बात कर रहे थे तो सप्लाई करंट का हमारा रेफरेंस क्या था, जिस समय जिस समय T1 ऑन रहेगा या I0 T1 के थ्रू फ्लो कर रही होगी, उस समय हम लोग सप्लाई करंट को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। उस समय सप्लाई करंट को हम लोग बनाएंगे पॉजिटिव। तो दैट मींस एक बार फिर से मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूं, ये सपोज 0, ये अल्फा, ये पाई, ये पाई प्लस अल्फा, ये 2 पाई, ये 2 पाई प्लस अल्फा, ये 3 पाई, ये 3 पाई प्लस अल्फा, और ये हो गया हमारा 4 पाई। तो अब हमें देखना क्या, अगर T1 ऑन है तो सप्लाई करंट हमें पॉजिटिव बनानी है, किसके इक्वल बनानी है, मैग्नीट्यूड होगा I0 के इक्वल, और अगर T2 हमारा ऑन है तो सप्लाई करंट हम नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक T1 ऑन है तो पॉजिटिव करंट, सेम एज अगर ध्यान से देखेंगे 2 पाई प्लस अल्फा से हमारा 3 पाई प्लस अल्फा तक T1 ऑन है, इसलिए ये पॉजिटिव करंट। ठीक है, ऐसे ही अब हम लोग देख रहे हैं अपना नेगेटिव पार्ट के लिए, जब T2 ऑन है तो जब T2 ऑन कहां से, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक हमारा T2 ऑन है, सेम एज यहाँ पे हमारा T2 ऑन है, और सॉरी हाँ ठीक है, पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक हमारा T2 ऑन है, और यहाँ पे 3 पाई प्लस अल्फा से 4 पाई तक हमारा T2 ऑन है, और इनिशियली हमारा ये 0 से अल्फा के बीच में हमारा T2 ऑन है, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको ड्रॉ कर दे रहे हैं नेगेटिव। ठीक है,
ये हम लोग इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं नेगेटिव, तो ये आएगी हमारी सप्लाई करंट की वेव फॉर्म, कुछ इस तरीके से दिखेगी सप्लाई करंट की वेव फॉर्म। में भी प्लॉट करने में पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा दिख रहा हो, निगेटिव का मैग्नीट्यूड कम दिख रहा हो, लेकिन ये पॉजिटिव और निगेटिव का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे ये आई नॉट होगी, यहाँ पे ये माइनस आई नॉट होगी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। में भी प्लॉट करने में ऐसा आपको दिख रहा हो कि आई नॉट पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है इन कंपेरिजन टू माइनस आई नॉट, तो ये केवल प्लॉटिंग में दिक्कत हुई है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा, सेम होगा। ठीक है, सपोज यहीं पे हम लोग प्लॉट कर ले रहे हैं अपना आई टी वन, तो अब हमें यहाँ पे प्लॉट करना है करंट थ्रू थायरिस्टर टी वन, तो अगर करंट थ्रू थायरिस्टर टी वन प्लॉट करना है तो ये देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक हमारा करंट थायरिस्टर टी वन, इसका मैग्नीट्यूड कम कर दे रहे हैं, होगा आई नॉट के इक्वली, तो अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक हमारा टी वन ऑन था, फिर टू पाई प्लस अल्फा से थ्री पाई प्लस अल्फा तक टी वन ऑन था, ये करंट हमारी बन जाएगी आई टी वन। करंट हमेशा पॉजिटिव ही ड्रॉ होगी थ्रू थायरिस्टर, क्योंकि हमारा डिफरेंस क्या होता है एनोड टू कैथोड का, इसलिए करंट हमें बनानी है पॉजिटिव। इसके बाद जब हम आई टी टू की बनाएंगे तो टी टू देख लें कहां से कहां तक ऑन है, तो टी टू हमारा जीरो से अल्फा तक ऑन था, इसके बाद टी टू हमारा पाई प्लस अल्फा से टू पाई प्लस अल्फा तक ऑन था, फिर थ्री पाई से 3 पाई प्लस अल्फा से 4 पाई तक ऑन था, ये हमारा हो जाएगा T2 का, दैट मींस जहां पे T1 ऑन नहीं था वहां पे T2 ऑन है, तो ये करंट हो जाएगा हमारा I T2 का। मैग्नीट्यूड अभी भी सबका क्या होगा, I नॉट ही होगा, मैग्नीट्यूड अभी भी कितना होगा, I नॉट ही होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड अभी भी इसका क्या होगा, I नॉट ही होगा। ठीक, अब हम लोग अगर सपोज करंट प्लॉट करने की सोच रहे हैं डायोड D1 के थ्रू, तो डायोड D1 के थ्रू अगर हम लोग करंट प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे मार्किंग कर लें, पहले स्टार लगा दे रहे हैं। T1 D1 के थ्रू हमें करंट प्लॉट करनी है कि D1 के थ्रू करंट कहाँ कहाँ पे फ्लो करेगी, तो D1 का एक ये है, दैट मीन्स पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में D1 ऑन था और 3 पाई से 3 पाई प्लस अल्फा के बीच में D1 ऑन था, नेक्स्ट 3 पाई प्लस अल्फा से 4 पाई के बीच में ऑन था, पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई के बीच में D1 हमारा ऑन था, ये इंटरवल हमने मार्क कर ली है जहां पे D1 हमारा ऑन था। इसके लिए हमें करंट बनानी है इसके थ्रू, यहां पे भी करंट आपको पॉजिटिव भी बनानी है क्योंकि रेफरेंस आपका एनोड टू कैथोड ही होगा, यहां पे पॉजिटिव करंट और यहां पे पॉजिटिव करंट हमने बना दी। मैग्नीट्यूड अभी भी आई नॉट ही होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड अभी भी हमारा आई नॉट होगा। और डी टू कहाँ पे बननी है, डी टू के लिए भी मार्किंग कर लेते हैं, डी टू कहाँ कहाँ तक ऑन था, डी टू अगर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं ये डी टू कहाँ पे कहाँ से ऑन था, तो डी टू पहला हमारा ऑन है अल्फा से, सॉरी जीरो से अल्फा के बीच में डी टू ऑन है, फिर अल्फा से पाई के बीच में ऑन है, ये मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पे भी ऑन है अल्फा से पाई के बीच में। नेक्स्ट हमारा कहाँ पे ऑन है, डी टू, डी टू फिर ऑन हो रहा है 2 पाई से 3 पाई के बीच में, तो 2 पाई से 3 पाई के बीच में ऑन हो रहा है, और इसके बाद हमारा डी टू कहाँ पे ऑन हो रहा है, डी टू नहीं ऑन हो रहा है, ठीक है, इस पूरे इंटरवल में डी टू हमारा यहीं पे ऑन है, तो डी टू हम लोग प्लॉट कर ले रहे हैं अपना, ये हो जाएगा हमारा D2 की करंट। हाँ, ये हमारा D2 ऑन है 2 पाई से 3 पाई, दैट मीन्स ग्रीन वाली लाइन से ऑन है, ये यहाँ पे नहीं है, ओके थैंक यू, ये यहाँ पे है, ये इनके बीच में ऑन है, ठीक है, ये यहाँ पे ऑन है, तभी कुछ गड़बड़ दिख रहा था कि जहाँ पे D1 और D2 की क्यों कोइंसाइड कर रही है करंट, तो ये हो जाएगा हमारा करंट। ठीक है, ये आ गया हमारा आई डी वन के थ्रू करंट और ये करंट आ गई आई डी टू के थ्रू करंट। इसके बाद अब यहाँ पे जगह नहीं है तो वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर भी आप प्लॉट कर सकते हो, टी वन टी टू, वोल्टेज अक्रॉस डी डायोड डी वन डी टू भी आप प्लॉट कर सकते हो, तो ये आप घर पे ट्राई कर लेना।
तो ये लगभग क्या है, सारी जितनी पॉसिबल वेव फॉर्म थी अपार्ट फ्रॉम वोल्टेज अक्रॉस दी डिवाइसेस हमने सारी प्लॉट कर ली है, हमने सारी वेव फॉर्म प्लॉट कर ली है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल आपको इंपॉर्टेंट है ये आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म और आउटपुट करंट की वेव फॉर्म, ठीक है, यही दो इंपॉर्टेंट है, बाकी की इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसको प्लॉट कर लिया है। अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है कैलकुलेशन का पॉइंट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी कैलकुलेशन जो करते आ रहे हैं। तो कैलकुलेशन में एक मिनट, मार्कर ऑन था। कैलकुलेशन, ठीक है, तो पहली जो हम लोग कैलकुलेशन करते थे, पहली हमारी जो कैलकुलेशन होती थी वो होती थी आउटपुट वोल्टेज की, आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज की हम लोग लेते हैं डीसी वैल्यू। तो आउटपुट की डीसी वैल्यू लेने के लिए लिमिट देख रहे हैं 1/, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको कंफर्म होगा कि टाइम पीरियड क्या है, पाई। अब आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू देख रहे हैं, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अल्फा से, और कहाँ तक मिल रहा है, पाई तक। तो दैट मीन्स लोअर लिमिट अल्फा होगी, अपर लिमिट हमारी पाई होगी, अल्फा पाई वीएम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी आउटपुट की डीसी वैल्यू बोले या वी आउटपुट की एवरेज वैल्यू बोले, बात एक ही है, ये निकल के आएगा Vm by पाई 1 plus cos alpha। ये वैल्यू ये निकल के आएगी Vm by पाई 1 plus cos alpha। फुली कंट्रोल्ड में ये क्या आ रहा था, ये फुली कंट्रोल में 2 Vm by पाई cos alpha आ रहा था, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे सबके लिए पॉसिबल नहीं है, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो क्या करे कि सारे फार्मूले याद रख सके, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होगी। तो बेटर ये रहेगा कि आपको एक वेव फॉर्म का आइडिया रहे और लोअर लिमिट और अपर लिमिट का थोड़ा सा आइडिया रहेगा, तो जिस समय जरूरत पड़ेगी उसी समय आप फार्मूले को प्रूव कर सकते हो, जिस समय जरूरत पड़ेगी उस समय हम फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा वी नॉट की डीसी वैल्यू। सेकेंड हम लोग कैलकुलेट करते थे वी नॉट की आरएमएस वैल्यू। इसका फार्मूला हमारा क्या था, डायरेक्ट फार्मूला हमारा ये था कि 1 by time period, अल्फा टू पाई हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे, वीएम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, और ये हो जा रहा था हमारा अंडर रूट सबका, ठीक है। इसको अगर हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, यहां से ये जो आउटपुट की आरएमएस वैल्यू है ये निकल के आएगी वीएम, डायरेक्टली फार्मूले में लिख के छोड़ दे रहे हैं, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, 2 pi minus alpha plus sin 2 alpha minus sin 2 beta की जगह पाई रखेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन 4 pi। ये आरएमएस वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड कैलकुलेशन हमारी होती थी सर्किट टर्न ऑफ टाइम की, थर्ड कैलकुलेशन होती थी सर्किट टर्न ऑफ टाइम की, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन हम लोग करते थे सर्किट टर्न ऑफ टाइम की, इन जनरल इसको हम लोग कैलकुलेट करते थे कैसे, वोल्टेज अक्रॉस किसी जिस भी डिवाइस किसी भी एक डिवाइस के क्रॉस प्लॉट कर लेते थे, सपोज T1 या T2 के क्रॉस आपने वोल्टेज प्लॉट कर लिया, और उसमें देखते थे कि कितनी देर के लिए एक साइकिल में ये रिवर्स बायस है, कितनी देर के लिए एक साइकिल में रिवर्स बायस है। तो यहाँ पे अब हम लोग शॉर्टकट डेवलप करने जा रहे हैं, शॉर्टकट डेवलप आपको लिखना क्या, सिंपल ओमेगा टीसी, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 pi ये फिक्स है, इसमें चेंज नहीं करना है, ये 2 pi फिक्स है, माइनस आपको वो एंगल देखना है, वो टाइम देखना है जब करंट थ्रू थायरिस्टर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहां पे शॉर्टकट फार्मूला है विदाउट वोल्टेज प्लॉट किए, वोल्टेज की वेवफॉर्म प्लॉट की, अगर हमें डायरेक्ट सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2 pi माइनस
एंगल एट विच एस सी आर करेंट बिकेम जीरो। ठीक है, ये ध्यान में रखना, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है बस इतना। अगर ये फार्मूला आपको या ये शॉर्टकट याद है, ये फार्मूला या ये शॉर्टकट याद है, तो आपको वोल्टेज अक्रॉस दी थायरिस्टर प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। वोल्टेज अक्रॉस दी थायरिस्टर प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो अभी तक जितने भी सर्किट में हमने सर्किट टर्न ऑफ टाइम कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे देखो ओमेगा टीसी की वैल्यू कैसे पुट कर रहे हैं हम लोग, ओमेगा टीसी 2 पाई माइनस। अब यहाँ पे वो एंगल की वैल्यू लिखनी है जहां पे करंट जीरो हो रहा, तो चाहे आप थायरिस्टर T1 की वैल्यू ले लो, T2 की वैल्यू लिख लो, उसके रिस्पेक्ट में ही लिखना है। लेकिन यहाँ पे बस लिखते समय ध्यान में रखना, ये 2 पाई हमने कहाँ से लिया है, ये 2 पाई हमने ओरिजिन से लिया है, कार्टीजन प्लेन में ओरिजिन से लिया है। तो ट्राई ये करना कि आप T1 की ही करंट पकड़ो, अदरवाइज कैलकुलेशन गलत हो सकती है। तो T1 की अगर हम लोग करंट देख रहे हैं, तो T1 की करंट ये आ रही है, T1 की करंट ये आ रही है, और ये कहां से कहां तक जा रही है, स्टार्ट हो रही है अल्फा से और खत्म कहां पे हो रही है, पाई प्लस अल्फा पे। दैट मीन्स हमारा जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम के लिए एंगल देखना है वो ये देखना है। ये शॉर्टकट बनाया हम लोगों ने कहां से, 2 पाई। देखो शॉर्टकट का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि डायरेक्टली हम लोग उसको समझ ले। ये शॉर्टकट है, आपको 2 पाई ओरिजिन से देखना है तो T1 की ही करंट देखनी है। T2 की करंट देखोगे तो फिर सर्किट टर्न ऑफ टाइम गलत आएगा। जो मेन कॉन्सेप्ट है सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकालने का वो अभी भी वही है कि आप डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज प्लॉट करो और देखो वो कितने देर के रिवर्स बायस है, ये है कॉन्सेप्ट। लेकिन शॉर्टकट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है जनरली। यहाँ पे 2 पाई लिख दिया, T1 की करंट देख ली, ठीक है। तो अगर आप बाद में कंफ्यूज ना हो फार्मूले में, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ SCR1 करंट बिकेम जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग देख रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, पाई प्लस अल्फा, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पाई प्लस अल्फा। तो इसको अगर सॉल्व करोगे ओमेगा टीसी, तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ से टीसी की वैल्यू जो आ जाएगी ये पाई माइनस अल्फा बाई ओमेगा। अगर किसी को क्रॉस चेक करना हो तो प्लीज वोल्टेज अक्रॉस दी थायरिस्टर ड्रॉ कर लेना, चाहे T1 के क्रॉस चाहे T2 के क्रॉस, और वहां से ये क्रॉस वेरीफाई कर लेना, हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ ये शॉर्टकट फार्मूला हमारा वैलिड है, ये शॉर्टकट फार्मूला हमारा वैलिड है। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ध्यान में रखना, ये शॉर्टकट फार्मूला है। ठीक है, और ये शॉर्टकट फार्मूला ऐसा नहीं किसी बुक में गिवन है। होता है कि जब हम लोग चीजों को पढ़ रहे होते हैं तो एक दो फार्मूले ऐसे जरूर होंगे जो आपने अपने लिए डेवलप करके रखे होंगे कि हाँ यार ये ऐसा है, कुछ ऐसा हो रहा, तो उसके हिसाब से हम लोग अपना सेटिंग वोटिंग करके वो आंसर निकाल लेते हैं। ये उसी टाइप का फार्मूला है। आप भी जब किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छा पढ़ोगे तो 1-2-4 फार्मूले शॉर्टकट आप खुद से अपना डेवलप कर लेते हो, ये उस टाइप का फार्मूला है। ठीक है, अब फोर्थ जो आ रहा है डिस्कशन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना, ये फोर्थ जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आ रहा है इस सर्किट की टेक्निकल प्रॉब्लम। अभी तक हम लोगों ने किसी भी सर्किट में प्रॉब्लम डिस्कस नहीं की है, क्योंकि हमें अपना जो डिस्कशन है वो धीरे धीरे अपर लेवल पे लेके जाना है। शुरू में हम लोग टॉपिक में केवल बेसिक डिस्कस करते आ रहे थे, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग अब टेक्निकल प्रॉब्लम भी डिस्कस करने वाले हैं कि इस सर्किट में सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में अगर 2 थायरिस्टर दो डायोड इंडक्टिव लोड के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसको ध्यान से समझना, अगर अभी तक ध्यान नहीं दे रहे तो प्लीज अब इसको ध्यान से समझना। ठीक है, यहां पे देखो इस समय किसी दो एंगल को, 2-3 एंगल को मैं हाईलाइट करूंगा। जैसे अल्फा पॉइंट को देखो, पाई प्लस अल्फा पे देखो, 2 पाई प्लस अल्फा पे देखो, 3 पाई प्लस अल्फा पे देखो, इन सारे एंगल पे देखो हो क्या रहा है। इन सारे एंगल पे अगर ध्यान से देखोगे, इन सारे एंगल पे अगर ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ जो कि बाद में याद करने में, रिवाइज करने में आसानी हो। तो देखो अल्फा पे हो क्या रहा है,
अल्फा पे टी टू ऑफ हो रहा है और टी वन क्या हो रहा है, टी वन हमारा ऑन हो रहा है, टी टू हमारा ऑफ हो रहा है और टी वन हमारा ऑन हो रहा है। सेम एज अगर पाई प्लस अल्फा पे देखोगे, पाई प्लस अल्फा पे यहीं पे लिख दे रहा है, जो कि रिवीजन जब करो तो ध्यान हो, टी वन हमारा क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है और टी टू हमारा क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। ये चीज रिपीटेशन में चलेगी, टू पाई प्लस अल्फा पे देखोगे तो टी टू ऑफ हो रहा है, टी वन ऑन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो टी टू हमारा क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है और टी वन हमारा ऑन हो रहा है। सेम एज यहाँ पे देखेंगे, टी वन हमारा ऑफ हो रहा है, टी टू हमारा ऑन हो रहा है। दैट मीन्स अल्फा पे पाई प्लस अल्फा पे, टू पाई प्लस अल्फा पे, थ्री पाई प्लस अल्फा पे, एक हमारी डिवाइस जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं वो ऑफ हो रही है, उसी सेम इंस्टेंट पे दूसरी डिवाइस क्या हो रही है, ऑन हो रही है, ठीक है। ये है एक टेक्निकल प्रॉब्लम कैसे बनने वाली है, इसको पहले हम लोग इस फॉर्म में लिख दे रहे हैं, इस फॉर्म में याद कर लें, फिर इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एट ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा पाई प्लस अल्फा, टू पाई प्लस अल्फा एंड थ्री पाई प्लस अल्फा, वो क्या रहा है, वन एस सी आर क्या हो रहा है, टर्न ऑफ हो रहा है एंड अदर एस सी आर टर्न ऑन हो रहा है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक हमारा ऑफ हो रहा है और एक हमारा क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। अब एक केस ऐसा कंसीडर करते हैं, सपोज इसी फिगर को कॉपी कर लेते हैं, इसी से समझेंगे। एक इंस्टेंट को हम लोग ऐसा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ सर्किट में हुआ कि एक थायरिस्टर जो ऑफ होने वाला था वो ऑफ नहीं हुआ, उसके पहले ही हमारा दूसरा थायरिस्टर ऑन हो गया। टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, थायरिस्टर के बिहेवियर में कभी भी ट्रांजिएंट चेंज हो सकता है, तो ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा। तो हम लोग अभी क्या एज्यूम कर रहे हैं, अभी एज्यूम ये कर रहे हैं, ध्यान में रखना, होने क्या वाला था कि T1 को ऑफ होना था सेम इंस्टेंट पे और T2 को क्या होना था, ऑन होना था। इस तरीके से हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसी कोई कंडीशन आने वाली, लेकिन ये कंडीशन ऐसी ना हो के क्या हुआ कि T1 जो हमारा ऑफ होने वाला था ये ऑफ नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन T2 हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया। अगर ये ऑफ नहीं हो पाया दैट मीन्स ये भी क्या रहा, ऑन रहा, दैट मीन्स दोनों थायरिस्टर एक ही समय पे ऑन है। अब ये कोई भी एंगल हो सकता है, अल्फा पाई प्लस अल्फा किसी भी एंगल पे हो सकता है। तो एक बार हम लोग क्या करें, दोनों थायरिस्टर को ऑन करके देखें कि प्रॉब्लम क्या होगी। तो दोनों थायरिस्टर को अगर हम लोग ऑन कर दें, ध्यान से देखना, अगर ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा शॉर्ट, ये हो गया शॉर्ट, ठीक है। तो अगर ये दोनों थायरिस्टर ऑन हो गए, यहाँ पे हमारा है T1 और ये हमारा है T2। अब हम जो लूप बनाएंगे उसको ध्यान से देखना, इस लूप से T1, फिर ये T2 और ये लूप देख के ऐसा लगेगा कि सप्लाई हमारी क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, दैट मीन्स अगर ये कंडीशन अकर कर गई तो सप्लाई के क्रॉस क्या हो जाएगा, डेड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्रॉस सप्लाई डेड शॉर्ट सर्किट, सप्लाई के क्रॉस हमारा क्या हो जाएगा, डेड शॉर्ट सर्किट अप्लाई हो जाएगा। और अगर सप्लाई हमारी डेड शॉर्ट सर्किट हो जा रही है तो दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट होने पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपको पता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होने पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको पता है, सप्लाई के क्रॉस डेड शॉर्ट सर्किट होता है। एक वर्ड हम लोग कभी कभी यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट,
और एक वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं डेड शॉर्ट सर्किट। तो ये दोनों मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। सिंपल शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय सर्किट में क्या होता है, डेड शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय सर्किट में क्या होता है। फिलहाल अभी हम लोग के ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। दैट मीन्स सिमेट्रिकल में हो क्या रहा है, सिमेट्रिकल में जब भी ऐसा इंस्टेंट आ रहा है अल्फा पाई प्लस अल्फा, टू पाई प्लस अल्फा या थ्री पाई प्लस अल्फा, ये सारे एंगल वो है जहां पे दो स्विचिंग डिवाइसेस के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। जब भी दो स्विचिंग डिवाइसेस के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है तो वहां पे एक ऐसी संभावना बन रही है, एक कंडीशन ऐसी अराइज हो सकती है कि सप्लाई के क्रॉस क्या हो जाए, डेड शॉर्ट सर्किट हो जाए। सप्लाई के क्रॉस क्या हो जाए, डेड शॉर्ट सर्किट। तो ये इस पर्टिकुलर डायग्राम की सर्किट की सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि सप्लाई के क्रॉस क्या हो जाएगा, डेड शॉर्ट सर्किट। तो बात कर रहे हैं अब इसकी रेमेडी क्या होगी, अगर ऐसा है तो इसकी रेमेडी क्या होगी, ये कैसे हम लोग अवॉइड करेंगे। तो प्रैक्टिकली जब भी हम लोग इस सर्किट को यूज करेंगे हाफ कंट्रोल को, ठीक है, प्रैक्टिकली जब भी हम लोग इस सर्किट को जब भी प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं तो करते क्या है, सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, और वो मॉडिफिकेशन क्या होगा वो यहीं पे कर दे रहे हैं, ठीक है। वो मॉडिफिकेशन क्या होगा वो यहाँ पे बता रहे हैं। हम लोग करेंगे क्या, लोड के पैरेलल में हमेशा क्या करेंगे, एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाएंगे, लोड के पैरेलल में एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा देंगे। तो लोड के पैरेलल में हम लोग एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाएंगे, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड की जगह बना देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, प्रैक्टिकली सर्किट जब भी ये यूज करेंगे यहाँ लोड के पैरेलल में एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाएंगे, ठीक है, एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा देंगे। इसकी रेमेडी क्या है, प्रैक्टिकली जब भी सर्किट को हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग करते क्या है, हम लोग लोड के पैरेलल में, ठीक है, अच्छा इसको पूरे फॉर्म में ही लिख देते हैं, सेंटेंस के फॉर्म में, एक फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड अक्रॉस द लोड, ठीक है। हम लोग हमेशा प्रैक्टिकल जब भी प्रैक्टिकली सर्किट को यूज करेंगे तो इन सारी सिचुएशन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोड के पैरेलल में एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा देंगे। और जैसे ही हम लोग एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाएंगे, ध्यान में रखना, जैसे इसके पैरेलल में एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाएंगे तो ये जो हमारा सर्किट है जिसको अभी तक हम लोग हाफ कंट्रोल के फॉर्म में पढ़ रहे थे, इस सर्किट को अभी तक हम लोग किस में पढ़ रहे थे, हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर के फॉर्म में, हाफ कंट्रोल्ड, ठीक है, हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पढ़ रहे थे, सिंगल फेज फुल वेव हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर। ये हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का नाम चेंज करके, इस हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर का नाम चेंज करके हम लोग बोल देते हैं सेमी कन्वर्टर, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पे फिर एक वेरिएशन आ गया, एक नया टर्म्स इंट्रोड्यूस हो गया, सेमी कन्वर्टर। तब आपसे अगर एग्जाम में ये आएगा कि डिस्कस एंड ड्रॉ द आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट फॉर सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर इन केस ऑफ हाईली इंडक्टिव लोड, तो आपको ये डायग्राम बनाना है, दो थायरिस्टर, दो डायोड, एक लोड, उसके पैरेलल में फ्री व्हीलिंग डायोड। अगर लोड के पैरेलल में फ्री व्हीलिंग डायोड लगा है, इसका मतलब वो क्या है, सेमी कन्वर्टर। अगर आप फ्री व्हीलिंग डायोड हटा दोगे तो ये हो जाएगा हमारा हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है, ये है हमारा हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, तो आप देखो कंफ्यूजन कैसे आ रहा, शुरू में हाफ वेव पढ़ा, फिर हम लोग फुल वेव पढ़े, फुल वेव में भी अब तीन टाइप के हो गए, एक फुली कंट्रोल्ड हो गया, एक हाफ कंट्रोल्ड हो गया और एक सेमी कन्वर्टर हो गया। तो एक्चुअली सेमी कन्वर्टर के डिस्कशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट करके रखी हुई है, ये जो आउटपुट वोल्टेज हम लोग प्लॉट करके रखे हैं, चेंज कहाँ पे आएगा,
चेंज वहां पे आएगा जब सेम लेग के, सेम लेग की दोनों डिवाइसेस ऑन है, सेम लेग की दोनों डिवाइसेस ऑन है, उस समय यहाँ पे क्या आएगा, चेंज आएगा, उस समय फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा, उस समय फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा, ठीक है, उस समय फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा जिस समय सेम डिवाइसेस ऑन है। अब हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, तो एक बार मुझे ये डायग्राम पूरा वेवफॉर्म कॉपी कर लें दो, फिर इसी वेवफॉर्म में डाउन साइड में चेंज कर लेंगे, इसी वेवफॉर्म में डाउन साइड में हम लोग चेंज कर लेंगे, बस एक बार कॉपी हो जाए, पूरा टाइम लगेगा, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है इसलिए डायग्राम टाइम लग रहा है। हम लोग इसी डायग्राम में भी चेंज करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आएंगी वेव फॉर्म में इन केस ऑफ, अगर हम लोग डिस्कस करते सेमी कन्वर्टर, ठीक है, अगर हम लोग सेमी कन्वर्टर डिस्कस करते तो वेव फॉर्म में क्या चेंज आती, यहीं पे इसको प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे आया, कितना डाउन साइड में है, इसको इधर कर दे रहे हैं, बस एक मिनट होल्ड करो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो सेमी कन्वर्टर में चेंज क्या आएगा, सेमी कन्वर्टर में चेंज क्या आएगा, तो पहले जो ये फालतू की चीजें हम लोगों ने शुरू में नोट डाउन किए इनको हटा दूं, जैसे ये T1 T2 वाला ये पोर्शन हटा दें, इसकी अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो सारी चीजें हटा दें जो कि स्पेस बने और हम लोग थोड़ा सा क्लियरली उसको डिस्कस कर पाए। जो चीज छोटी है उसको लिख दे, यहाँ पे अल्फा था, ये पाई प्लस अल्फा, टू पाई प्लस अल्फा, थ्री पाई प्लस अल्फा। तो अब देखो होगा क्या, कहाँ पे हमारा सेमी कन्वर्टर का ये ऑन होगा, इसको सेमी कन्वर्टर वाले को एक बार डायग्राम कॉपी कर लें, समझने में हेल्पफुल रहेगा। हो गया कॉपी, तो यहीं साइड में ले आते हैं, यहीं पे चेंज करके दिखाएंगे। तो देखो ये चेंजेस कहाँ पे आएंगे, ये चेंजेस आएंगे हमारे कहाँ पे, जिस समय एक लेग के दोनों स्विचिंग डिवाइसेस ऑन है, दैट मींस कहने का मतलब जब T1 ऑन है, D1 ऑन है, उस इंस्टेंट को देखो कहाँ पे ऑन है, ऐसा कि जब T1 और D1 ऑन है, दैट मींस ये केस है, यहाँ पे T1 D1 ऑन है और यहाँ पे T1 D1 ऑन है। सेम है जब दूसरे लेग के दूसरे डिवाइसेस, दैट मींस T2 और D2 ऑन है, ये देखो दैट मींस यहाँ पे ऑन है और यहाँ पे ऑन है। कहने का मतलब यह है कि आपको सिर्फ वो एंगल देखना है, वो ड्यूरेशन देखनी है जिसको हम लोग डिले बोलते हैं, जीरो से अल्फा, पाई से पाई प्लस अल्फा, टू पाई से टू पाई प्लस अल्फा, थ्री पाई से थ्री पाई प्लस अल्फा। यहाँ पे चेंज क्या होगा, जब हम लोग सेमी कन्वर्टर के लिए पढ़ रहे होंगे, जब हम लोग सेमी कन्वर्टर के लिए पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे अब क्या ऑन हो जाएगा, यहाँ पे ऑन हो जाएगा फ्री व्हीलिंग डायोड, यहाँ पे ऑन हो जाएगा फ्री व्हीलिंग डायोड, यहाँ पे ऑन हो जाएगा फ्री व्हीलिंग डायोड। इनकी जरूरत नहीं है अब ऑन होने की, T2 D2 T1 D1 T2 D2 और D1 D2, इनकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑन हो जाएंगे अब फ्री व्हीलिंग डायोड। ऐसे इंस्टेंट आप कंट्रोल में ढूंढ लो यहाँ पे एक ही लेग के दोनों थायरिस्टर, दोनों स्विचिंग डिवाइसेस हमारी ऑन हो रही। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि नंबरिंग ये ऐसे क्यों की गई थी, T1 D1 T2 और D2, यहाँ पे ये पहचानना इजी हो जाता है कि कौन से लेग के, सेम लेग के दोनों डिवाइसेस ऑन है, T1 D1 दैट मींस एक लेग के हैं, T2 D2 दैट मींस एक लेग के हैं, तो यहाँ पे ये फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन होगा, यहाँ पे ये फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन होगा। इसके नीचे जो हम लोग T1 D2 की ड्यूरेशन लिखी है थायरिस्टर की और डायोड की, अल्फा से पाई ये वैलिड है, पाई प्लस अल्फा से टू पाई ये भी वैलिड है, टू पाई प्लस अल्फा से थ्री पाई ये भी वैलिड है, 3π प्लस अल्फा से 4π ये भी वैलिड है। अब चेंज कहाँ पे आएगा, अब चेंज आपका आएगा कहाँ पे चेंज आएगा, अब आपका चेंज आएगा करंट थ्रू थायरिस्टर T1 में, करंट थ्रू थायरिस्टर T2 में, करंट थ्रू थायरिस्टर D1 में और करंट थ्रू थायरिस्टर D2 में चेंज आएगा, इन सब के वेव फॉर्म में अब चेंज आएगा।
अब इन सब की चेंज में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, पहले T1 हमारा ऑन था अल्फा से पाई प्लस अल्फा के बीच में, लेकिन अब ऑन कब रहा, अल्फा से केवल पाई के बीच में, अल्फा से पाई के बीच में, दैट मीन्स अब यहाँ पे ये चीज हमें हटानी होगी, ये पोर्शन हमें हटाना होगा, ये अल्फा ड्यूरेशन इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ पे भी ये ऑन नहीं रहेगा, अब ये इतनी दूर ऑन रहेगा, सेम है इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे I2 फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन है तो ये पोर्शन हटेगा, यहाँ पे ये पोर्शन हटेगा, दैट मीन्स ये यहाँ से ऐसे जीरो आएगा, ये इस तरीके से आएगा, हम लोग बात करें IT2 की तो ये आ जाएगा IT2। इसी तरीके से जब डायोड की बात करेंगे तो शुरू में फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन है, ठीक है, एक बार मेंशन कर लें तो याद रहेगा, इजी हो जाएगा, ये है अल्फा, ये है पाई, ये है पाई प्लस अल्फा, ये है 2 पाई, ये है पाई प्लस अल्फा, ये है 3 पाई, और ये है हमारा 3 पाई प्लस अल्फा, और ये हमारा 4 पाई। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जितना भी ये डिले वाला पोर्शन है, 0 से अल्फा, पाई से पाई प्लस अल्फा, 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा, और 3 पाई से 3 पाई प्लस अल्फा, इसमें फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन है। तो जब फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन है तो जब हम लोग डायोड के क्रॉस करंट बना रहे होंगे, डायोड के थ्रू करंट बना रहे होंगे, तो पाई से पाई प्लस अल्फा, 0 से अल्फा, 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा, 3 पाई से 3 पाई प्लस अल्फा के बीच में डायोड के थ्रू करंट नहीं फ्लो करेगी, करंट केवल फ्लो करेगी फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू। तो यहाँ पे पहले मेंशन कर दे कि यहाँ पे FD वर्क करेगा, यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन रहेगा, यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन रहेगा, और यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन रहेगा। तो जहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन है तो वो पोर्शन हमें हटाना पड़ेगा करंट का, दैट मीन्स करंट यहाँ पे ये हो जाएगी, इस तरह यहाँ पे भी फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन है, इसको भी हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी डायोड के थ्रू की करंट, यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, ये करंट हो जाएगी, इसी तरीके से यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, ये करंट हो जाएगी। तो ये वेव फॉर्म अब हमारी हो गई है सेमी कन्वर्टर के लिए, ये वेव फॉर्म हमारी हो गई है सेमी कन्वर्टर के लिए, ये चेंजेस आएंगे, ये चेंजेस आएंगे, दैट मीन सेमी कन्वर्टर में अगर और एनालिसिस करना चाहे तो कई सारे एनालिसिस कर सकते हैं, हाफ कंट्रोल में थायरिस्टर अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक वर्क कर रहा था, कंडक्शन एंगल पाई था, यहाँ पे कंडक्शन एंगल कितना हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, ये पाई है, यहाँ पे अगर हम लोग कंडक्शन एंगल देखेंगे तो एंगल कितना हो गया, पाई माइनस अल्फा, ये है कंडक्शन एंगल, दैट मीन्स सेमी कन्वर्टर में थायरिस्टर कम ड्यूरेशन के लिए कंडक्ट करेगा, कम ड्यूरेशन के लिए कंडक्ट करेगा, जैसे यहाँ पे हम लोग बना रहे थे, इसका अगर कंडक्शन एंगल देखते तो ये हो जाता पाई, कंडक्शन एंगल। कई सारे कंपेरिजन है जो हम लोग कर सकते हैं, टाइम ओवर हो रहा है इसलिए हम लोग डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। तो आज फिलहाल हमारा जो है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, हाफ कंट्रोल्ड सिमेट्रिकल और सेमी कन्वर्टर वाला पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे एक बार एसिमेट्रिकल को देख लेंगे, फिर से उसकी एनालिसिस कर लेंगे, उसमें आउटपुट वेव फॉर्म में क्या चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम किस पर्टिकुलर एंगल्स पे आएंगी, ये सारी चीजें अब हम लोग नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, अदरवाइज हम लोग मीटिंग एंड करें।